हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 19.5, चैप्टर नंबर 19, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स में से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 19.3 एंड 4 कंप्लीट कर लिए, एंड आई होप आप सबने देख भी ली होगी। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में अपनी प्लेलिस्ट सुपर मैथ्स स्टार क्लास 8 में से भी चेक कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, एंड सीधे जाके यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं अपने चैप्टर का नेम, एक्सरसाइज नंबर, एंड साथ में ब्रिलियंट माइंड लिख दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 19.5 क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड इससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल हूज डायामीटर इज, अब हमारे पास थ्री पार्ट्स हैं, थ्री पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं, हमें तीनों पार्ट सॉल्व करने हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। अब हमें डायामीटर कितना दिया है, डायामीटर आपको दिया है 2.8 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। तो आपको ये ध्यान से देखना है हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। जैसे सर्कल होता है, सर्कल का हाफ होता है हमारा सेमी सर्कल, ये डायामीटर है, डायामीटर में रेडियस भी फाइंड करना होगा। रेडियस होता है डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आ गया 1.4 सेंटीमीटर। अब आप देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल मीन्स हाफ ऑफ द, क्या होगा, हाफ ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का होता है पाए आर स्क्वेयर, और अगर इस हाफ कर दें तो वो बन जाता है सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, जो आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ पाई आर स्क्वायर। अब हम अपने अप्लाई करते हैं फॉर्मूला में वैल्यूज। हाफ पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। देखिए पाई की 2 वैल्यूज होती हैं, जो हमें हमें वैल्यूज को हम पुट कर सकते हैं 22/7 एंड 3.14। और ये वैल्यू कम हमारे तब ज़्यादा सूटेबल होती है जब आपके पास जो रेडियस है वो 7 से डिवाइड हो सके। तो देखिए 1.4 7 से डिवाइड हो सकता है। आर स्क्वेयर मीन्स रेडियस को 2 टाइम्स लिखना है, तो आर स्क्वेयर मीन्स देखिए आर इज टू पावर 2 मीन्स आर इंटू आर, इसलिए मैंने रेडियस को 2 टाइम्स लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसके डेसिमल्स भी हटा सकते हैं या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये कट हो गया, अगर आप उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे 7 × 5 = 0.2, तो आप उसको रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, जैसे फर्स्ट नंबर नहीं जा सकता था, 0 हमने लगा लिया, एंड देन 7 × 0 = 0, 1 हमारा रिमाइंडर, 4 नीचे आ गया, डेसिमल ऊपर, जब हमने 4 को नीचे लिया 7 × 2 = 14, तो हमने डायरेक्ट ही लिख दिया 0.2। तो आप डेसिमल हटा के भी कर सकते हैं। देन 11 × 0.2 × 1.4, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए सबसे पहले 11 × 2 करते हैं, तो हमारे पास आ गया 22, देन 22 हमारे पास डेसिमल एक डिजिट छोड़ के लगाना है। अब आपको बस 1.4 और 2.2 को मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ गया 3.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें करना है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में अगेन हमारा डायामीटर हमें दिया हुआ है, और हमें रेडियस पहले फाइंड करना होगा। डायामीटर है 14 सेंटीमीटर, रेडियस होता है डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास आ गया 17 सेंटीमीटर। अगेन हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, हमें सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है। एरिया का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, हाफ पाए आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हाफ पाई की वैल्यू 22/7, आर की प्लेस पे 7 × 7, तो 7 से 7 कट गया, देन 11 × 7 = कितना आ गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें डायामीटर दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, तो पहले रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस आ गया 35/2। देखिए जो नंबर आपका सीधा डिवाइड ना हो तो उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। तो एज इट इज़ लिखने से भी हमें एक बेनिफिट होगा, देखिए कैसे। अब यहाँ पे हमने लिख दिया एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाए आर स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला में वैल्यूज अगर हम पुट करें, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 35/2, अगेन 35/2, तो 2 की पहले इससे कटिंग हो गई 11, 7 × 1 =
देन 7 5 जैसे हम कटिंग कर दी, अब आप बाकी नंबर्स को सीधा डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ हम डिवाइड कर, यहाँ पे भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते थे और लास्ट में भी कर सकते हैं। इससे हमने कटिंग कर दी, देन 11 5 जा 55 इंटू 35। अब यहाँ पे देखिए 55 इंटू 35 हो गया, 11 5 जा 55 एंड नीचे आ गया आपके पास 2 2 जा 4। अब हमें सिंपली क्या करना है, पहले ऊपर वाले दोनों नंबर्स को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। हमारे पास आ गया 1925 डिवाइड बाय 4, इसको आपने 4 से डिवाइड कर लेना। अब हम इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 4 4 जा 16, देन आपके पास रिमाइंडर आ गया 3, 2 हमारे पास आ गया, 2 हमने नीचे ले लिया, 4 8 जा 32 माइनस 0 0, देन 5 को हमने नीचे लिया, 4 1 जा 4 माइनस करके 1। अब हम रिमाइंडर 1 बचा है, डेसिमल लगा के एक 0 ले सकते हैं, देन 4 2 जा 8, देन रिमाइंडर इज 2, देन 4 अगेन एक 0 ले लेंगे, 4 5 जा 20। तो आपका आंसर क्या आ गया, जब हमने डिवाइड किया इस नंबर को 4 से, हमारा आंसर आ गया 481.25। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देन हम यहाँ पे लिख देते हैं 481.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज दिस, फाइंड द एरिया। अब देखिए सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं एंड वैल्यूज भी पुट कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, हमें कितना गिवन है, 36 सेंटीमीटर। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल के लिए हम लिखेंगे पाई आर प्लस, यहाँ पे हम प्लस लिख के लिख देते हैं डी। अब देखिए सेमी सर्कल कैसे बनाते हैं हम, ये हमारा हो गया सेमी सर्कल। पेरीमीटर मीन्स व्हाट, पेरीमीटर मीन्स ये जो कर्व पार्ट है ना, देखिए जो हमारा सर्कल होता है ना, जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ, ये हमारा सर्कल हो गया। जब हम सर्कल का पेरीमीटर निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, एंड उसके अकॉर्डिंग जब हम सेमी सर्कल का निकालेंगे तो हमें इसको 2 से डिवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि सेमी सर्कल सर्कल का हाफ होता है। तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास रह गया पाई आर प्लस। अब इसमें जब हमने इसको हाफ से डिवाइड किया, अब जब सेमी सर्कल को देख रहे हैं, पेरीमीटर होता है आपकी सारी बाउंड्रीज की लेंथ, ये जो कर्व पार्ट है वो तो हमने फाइंड कर लिया पाई आर से। पाई आर से हमारे पास ये लेंथ ऑफ द कर्व पार्ट आ जाएगी, बट ये जो है ये क्या होता है, डायामीटर, डायामीटर को हम 2r भी लिखते हैं, डायामीटर होता है 2 इंटू आर। तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो पाई आर प्लस डी, एंड नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें r फाइंड करना है, पाई आर प्लस डी की प्लेस पे लिख दिया 2r। और ये किसके इक्वल है, गिवन हमें दिया हुआ है 36। ध्यान रखना है सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, जब आप सर्कल को हाफ करते हो तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास रह गया पाई आर, वो इस कर्व पार्ट का पेरीमीटर है, और हमें डायामीटर भी ऐड करना है। तो डायामीटर का क्या होता है वैल्यू, डायामीटर को हम 2r भी लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ 2r लिख दिया। देखिए पाई आर और 2r में से r को ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि r हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया, एरिया के लिए रेडियस चाहिए, देन पाई प्लस 2 एज इट इज। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7+2, एंड इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नीचे 1 ले लिया, अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 7, देन एलसीएम 7 आएगा, 22 एज इट इज, 7 2 14, देन आर। अब यहाँ पे हम क्या कर दें, दोनों को कर देते हैं ऐड, दोनों को ऐड करके आपके पास कितना आ गया, आर से मल्टीप्लाई हो रहा है ये नंबर, देन 36/7 इज इक्वल टू 36। आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये नंबर इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, विच मीन्स रेसिप्रोकल, 7 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो गए, हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई 7। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है एरिया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल है हाफ पाए आर स्क्वेयर, वैल्यूज पुट करते हैं 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 2 11 जा, देन 7 11 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल इज 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड
इट्स पेरीमीटर। अब एरिया गिवन है, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। अगेन पहले हमें रेडियस ही फाइंड करना होगा। तो एरिया का फॉर्मूला हाफ पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हाफ एज इट इज़, पाई की प्लेस पे 22/7, रेडियस हमें पता ही नहीं है, तो आर स्क्वायर एज इट इज़। एंड यहाँ पे हम डेसिमल्स भी हटा सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, देन 2 1s are 2 11s are, तो आर स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दीजिए यहाँ पे। और आपको क्या करना है, सिंपली इन नंबर्स को उधर ले जाते हैं। देखिए 11 नीचे आ जाएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, और 7 ऊपर आ जाएगा, 7 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब हम देखेंगे कटिंग हो सकती है तो कर देंगे, बाकी सब को एज इट इज़ सॉल्व कर लेंगे। 11 पे ट्राई करते हैं। 11 वन ज़ा 11 वन ज़ा 11, 6 रह गए आपके पास, 63 आ गया। देन 11 5 पे जा सकता है, 11 5 पे जा सकता है इसके बाद। देन हमारे पास कितना बच गया, 55। देन 82 7 पे जा सकता है, 77। देन 5 रह गए, 55 ज़ा 11 5 ज़ा 55। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम कर देते हैं इस नंबर को मल्टीप्लाई 7 के साथ, 11025 मल्टीप्लाई करके आ गया, और नीचे आपके पास है 100। अब आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों का देखिए यहाँ पे आर है ना, तो आर के ऊपर स्क्वायर है, हमें रेडियस चाहिए ओनली, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर इस साइड स्क्वायर है तो दूसरी साइड जब हम स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं वो बन जाता है स्क्वायर रूट। तो आपको ऊपर और नीचे दोनों नंबर्स का फाइंड करना है स्क्वायर रूट। 100 का स्क्वायर रूट तो हमें आता ही है 10, हमें फाइंड करना है, यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं इसका स्क्वायर रूट हमें पता है 10, और हमें फाइंड करना है इस नंबर का स्क्वायर रूट, तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अब आप सबको स्क्वायर रूट फाइंड करने के दोनों मेथड्स आते हैं जो हमने ऑलरेडी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में सीखे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। मैं यूज़ कर रही हूँ डिवीजन मेथड, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। डिवीजन मेथड में हमें पेयर बनाने होते हैं लास्ट से 2 2 के, जो एक लास्ट में रह जाएगा चाहे सिंगल है उसको एज इट इज़ लिख देना है। देन 1 1 ज़ा 1, इसको माइनस कर दिया, यहाँ पे 0। हमने पेयर एक साथ लेके आना है नीचे 10, 1 का डबल 2। अब 2 के टेबल में तो 10 जाता नहीं है क्योंकि 2 के आगे देख रहे हैं ना जैसे 1 पे, तो ये तो 21 हो गया, तो हम ले लेंगे 0 ज़ा, क्योंकि ये देखिए 20 0 ज़ा 0 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने ले लिया 0 क्योंकि 1 पे नहीं जा रहा था। मैथड ये डिटेल में मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, मैं यहाँ पर सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ। डिटेल में ये मेथड हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर्स में सीखा है, अब जाके वहाँ से दोबारा रिवाइज कर सकते हैं जिन स्टूडेंट को ये मेथड डिवीजन मेथड नहीं आता। देन 10 का डबल हमने लिखना है 20। अब 20 को 5 पे करके देखते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, हमारा नंबर एज इट इज़ पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे भी 5। इट मीन्स 11025, और नीचे हमारे पास क्या था 100, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था। इस नंबर का स्क्वायर रूट आया 105 एंड इसका स्क्वायर रूट आया 10, तो आपका आंसर आया 105/10, जिसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके ये लिख सकते हैं। अब हम वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 105 एंड ये बन गया 10.5 सेंटीमीटर हमारा रेडियस। अब आपको फाइंड करना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के लिए हमें क्या लिखना है, पाए आर प्लस 2 आर, डी भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो क्या करें, आर कॉमन, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 प्लस 2 ब्रैकेट में आर है हमारे पास 10.5 मल्टीप्लाई, सो सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट में 7, 22 एज इट इज़, 7 2 ज़ा 14, देन 10.5 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 36/7, 7 की कटिंग हो सकती है, 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7, देन डेसिमल एंड 3 बज के 7 5 ज़ा 35। अब आपको 1.5 को 36 से मल्टीप्लाई करना है एंड हमारे पास आ गया पेरीमीटर, हमारा आंसर आ गया 54 सेंटीमीटर। पेरीमीटर में सिर्फ सिंगल यूनिट आता है सेंटीमीटर, एरिया में हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इस एक्सरसाइज के भी 3 क्वेश्चन थे हमारे सिलेबस में 19.5 में से, तीनों क्वेश्चन हमने अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर भी हो गया है। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।